वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 29 नवंबर 2020 और अभी ये लोकेशन है पटना शहर का मीठापुर बस स्टैंड और मैं अभी अभी जस्ट बाईपास पे एंट्री किया है मैंने। ये है पटना का बाईपास रोड और मेरा आज का जो राइड है वो है पटना से बनारस के लिए। सुबह का हो रहा है 6:50 यानी कि 7 बज रहे हैं। 7 बजे मैंने अपनी राइड स्टार्ट की है अपने बजाज एवेंजर 220 से और ये रहा मैं। मुझे जाना है आज मुगल सराय और मुगल सराय में एक शादी अटेंड करने जा रहा हूँ मैं, तो बनारस से बस थोड़ा सा पहले है मुगल सराय। पटना से मुगल सराय जो है कुछ 225 किलोमीटर शो कर रहा है मैप के अकॉर्डिंग और ये है पटना आरा मोहनिया होते हुए रास्ते का डिस्टेंस। तो ये है पटना शहर का बाईपास, ये भी चारों तरफ से डेवलपमेंट के मोड में है, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, अच्छे अच्छे शोरूम्स वगैरह खुल रहे हैं यहाँ पे। तो ये एरिया है महावीर आरोग्य संस्थान से आगे का और ये है फुलवारी शरीफ वाला एरिया। ये फ्लाईओवर जो देख रहे हैं ये नया बना है और ये जा कर के जुड़ता है दिघा फ्लाईओवर से, जो दिघा वाला गंगा ब्रिज है उससे जा कर के जुड़ता है ये। तो सीधा जो रास्ता है वो अंदर को जा रहा है फुलवारी खगोल और राइट साइड में जो जाएगा वो जाएगा दानापुर स्टेशन और दानापुर स्टेशन जाने के लिए एक फ्लाईओवर है जिसको अभी हम लोग क्रॉस करेंगे। तो चूंकि मैं बाईपास के साइड में रहता हूँ तो मेरे लिए ये रास्ता सूटेबल था और अगर मैं उधर कहीं सेंटर में रहता तो मुझे फिर बेली रोड से होकर के आना होता। ये जो सीधा रास्ता उधर राइट साइड वाला जा रहा है वो जा रहा है आपको दिघा घाट के लिए, दिघा जेपी सेतु के लिए, और ये लेफ्ट साइड को जो जा रहा है ये है दानापुर स्टेशन, ये दिख रहा है लेफ्ट साइड में मेरे, और यहाँ मेरे राइट साइड में यहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम है। ये है दानापुर रेलवे स्टेशन और सुबह के वक्त में गाड़ियाँ आई हैं तो पूरा ट्रैफिक है इधर में। किसी भी शहर का स्टेशन एरिया जो होता है ना बिल्कुल अनमैनेज्ड होता है, बट जयपुर में मैंने देखा वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, स्टेशन से बाहर निकल करके कोई गाड़ी वाला आपके पीछे नहीं पड़ेगा और गाड़ी वाले भी बिल्कुल लाइन में लगा करके और खुद कहीं खड़े रह करके सवारियों को बुलाते हैं, लेकिन गाड़ी ले करके बिल्कुल स्टेशन के दरवाजे को ब्लॉक नहीं करते। इधर में थोड़ा वैसा नहीं है, इधर में पूरा ख़राब स्थिति है। ये रेलवे का पूरा कटिंग चल रहा है, रेलवे की जो पुरानी बोगियाँ हैं उसको पूरा काट करके और इस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में किया जा रहा है। ये रेलवे का कुछ जो पुरानी गाड़ियाँ हो जाती है उसका ऑक्शन होता है और ऑक्शन के बाद में इसको कटिंग की जाती है। तो कटिंग के लिए तो स्पेशलाइज कोई जगह है नहीं, तो जिस जगह पे पुरानी गाड़ियाँ पड़ी हुई है, बोगियाँ पड़ी हुई है, वहीं पे उसको कटिंग काट देते हैं। तो ये है नेवरा, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है नेवरा का, होटल पिकनिक गार्डन फैमिली रेस्टोरेंट, और ये बड़ा अच्छा वॉल पेंटिंग है। मेरे दोस्त यहाँ पे साइकिलिंग करते हुए आते हैं तो यहाँ पे अक्सर वो लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं अपनी। और ये है भेटा का एयरफोर्स स्टेशन, मैं अभी उसके ठीक बगल से क्रॉस कर रहा हूँ, ये उसका मेन गेट है। किसी दिन साइकिलिंग करते हुए आऊँगा यहाँ तक मैं और यहाँ पे उसका एक अलग से व्लॉग भी बनाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं बिहार के अंदर में जिसको अभी तक हम लोग जानते ही नहीं है। भेटा एयरफोर्स स्टेशन तो है बट इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं लोगों को। और यहाँ पे बचपन में मैंने एक बार बस जो है एक लड़ाकू विमान को उड़ते हुए देखा था, उसके बाद कभी मैंने देखा ही नहीं। तो इधर में एक्चुअली क्या है, ये बस ऐसे ही है, इसका कोई अभी तक यूज़ नहीं है। शहर के बाहर में जितने मंदिर होते हैं ना वो काफ़ी स्पेसियस होते हैं, यहाँ पे तालाब वगैरह सब होता है और मंदिर भी अच्छा खासा होता है, सुंदर भी होता है, काफ़ी लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। और शहरों के अंदर में हमारा क्या है ना कि वो बड़ा ये है कंजस्टेड जगहों पे मंदिर वगैरह होता है, पार्किंग तक ठीक से नहीं मिल पाती। तो ये है भेटा का मोर, यहाँ से 4 रास्ते निकल रहे हैं और ये लेफ्ट साइड में जा रहा है विक्रम और ये राइट साइड में मनेर जा रहा है पटना, उधर से ही दिघा होते हुए आप पटना चले जाएंगे और ये सीधा जा रहा है आरा की ओर, कोइलवर आरा होते हुए मुगल सराय बनारस।
तो फिलहाल यही है बिहार के अंदर का हाईवे। और ये है एनडीआरएफ का ऑफिस, ये नहीं इसके पीछे में था, वहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। ये तो कोई हॉस्पिटल है। ट्रकों की लाइन शुरू हो गई, समझ लीजिए कोइलवर का पुल आने वाला है, क्योंकि कोइलवर पुल पे ट्रकों की लंबी लाइन लगती है वन वे होने की वजह से। और अभी जो हम लोग नए वाले पुल से जाएंगे, ये यहाँ से राइट जा रहा है नए वाले कोइलवर पुल के लिए, और लेफ्ट साइड का जो ये पूरा लंबा लाइन देख रहे हैं ये वो पुराने पुल के लिए है। तो ये हम लोग घुस चुके हैं नए वाले पुल पे जाने के लिए। ये भी कच्चा रास्ता है फिलहाल। तो ये है कोइलवर पुल नया, और वो मेरा लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं वो है कोइलवर पुल पुराना वाला। तो कोइलवर पुल पे अभी जाम दिख रहा है मुझे, गाड़ियां रुकी हुई हैं, और ये लंबा जाम लगता है और कई घंटों का भी लगता है। तो ये देखिए कोइलवर पुल काफ़ी चौड़ा है, ये सिर्फ एक साइड का है, उस साइड वाले में दूसरा इतना ही चौड़ा है। तो ये जो पुल बना है ये बहुत ही बढ़िया बना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। पटना शहर बिहार के अंदर में इतना चौड़ा पुल बहुत कम ही है, ये शायद मैं पहला ऐसा पुल है जो इतना चौड़ा मैं चला रहा हूँ गाड़ी। अदरवाइज अगर गांधी सेतु पुल भी देखे तो वो इतना चौड़ा नहीं है, मतलब सिंगल लेन की मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल लेन इतना चौड़ा नहीं है, डबल लेन, ये तो डबल लेन होगा तो और चौड़ा हो गया, बहुत हो गया। तो ये है गंगा नदी, सोन नदी, सोन नदी का पानी है। और ये जितने भी बिहार के अंदर में बालू होते हैं रेड वाले जो कंस्ट्रक्शंस में यूज़ होता है वो इसी नदी से निकाला जाता है, और ये नदी काफ़ी लंबी है। आप आगे तक में पूरा सासाराम और डेहरी ऑनसोन ये सारा एरिया जो है इसी बालू से है, और ये बहुत बड़ा बिजनेस भी है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व भी रहते हैं। तो ये देखिए दूसरा नज़ारा, ये है कोइलवर पुल के ठीक नीचे में, और ये कंस्ट्रक्शन में है अभी, काफ़ी टाइम लगेगा अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को पूरा होने में। अभी हम लोग हैं कोइलवर पुल के ऊपर में, नया वाला कोइलवर पुल है ये, और मैं आज हूँ पटना से बनारस की राइड के लिए, तो वह एक शादी अटेंड करना है इसलिए आज मैं बाइक से ही निकल गया। तो ये पहला स्टॉपेज जो मैं रुका यहाँ पे कोइलवर वाले नए फ्लाईओवर के ऊपर में है। तो ये है कोइलवर का नया वाला पुल, और अभी ये सिर्फ एक लेन बना है, काफ़ी चौड़ा है। ये दूसरा लेन का कंस्ट्रक्शन चालू है, और ये ऑलमोस्ट हाफ जो है बन चुका है, यानी कि जो मेन स्ट्रक्चर होता है ना वो बन चुका है, और बाकी का जो है अभी प्रोसेस में है। और ये सामने में जो आप देख रहे हैं पुराना वाला अब्दुल बारी सिद्दीकी पुल है, जो कि रेलवे और रोडवे दोनों है इसके अंदर में, बट ये बुरी तरीके से जाम है, हर वक्त जाम में रहता है ये। तो ये है वो पुल का नज़ारा, अपडेट्स, और ये काफ़ी सारे नाव हैं जो कि बालू वगैरह निकालते रहते हैं नदी से। तो हो गया अपना 2-5 मिनट का स्टॉपेज, और अब निकलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब अगला जो शहर है वो है आरा, आरा पहुंचेंगे हम लोग अराउंड हाफ एन आवर में, और वहां पे देखते हैं अगर रुक करके कुछ चाय नाश्ता करते हैं, क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं किया अभी। तो ये है कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड नहीं बट ये पुल का एंड या स्टार्ट बोल लीजिए आप, यहाँ पे अभी बन ही रहा है। तो ये रास्ता है ठीक नए वाले कोइलवर पुल को क्रॉस करने के बाद, ये 4 लेन के कंस्ट्रक्शन का पूरा काम आपको दिख रहा होगा, वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन रोड अच्छा लग रहा है। ये जो सड़क जिस पे मैं अभी बाइक चला रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला सड़क है फिलहाल अभी के लिए, बट आगे चल करके जब बरसात और गर्मी वगैरह सर्दियाँ वगैरह जब एक दो मौसम देखेंगे तो पता नहीं ये 4 लेन कैसा होगा, लेकिन फिर भी 4 लेन जब भी बनता है अच्छा ही बनता है।
तो इस पे आते ही अपनी स्पीड बढ़ गई है। पहले सिंगल लेन पे थे तो थोड़ा डर लगता था, सामने से गाड़ियां आती रहती थी, इसमें वैसा नहीं है, इसमें अच्छा लग रहा है चलाने में। और ये फोर लेन यहीं तक है शायद, नहीं आगे है, देखते हैं पता चलेगा, आगे तक है फोर लेन। कुछ कुछ जगहों पे कंस्ट्रक्शन लगता है चल रहा है अभी। यह है आरा मोहनिया हाईवे और अभी हमें 137 किलोमीटर और जाना है। मुगलसराय 137 किलोमीटर पे है। बीच में जगदीशपुर पे हम लोगों ने एक स्टॉपेज लिया था, हमारे दोस्त मिल गए थे पटना शहर से, जो कि पटना से साइकिलिंग करते हुए जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह संग्रहालय तक आना था उनको, और फिर उन्हें वापस रिटर्निंग भी होनी थी, तो लकली वो मुझे मिल गया हाईवे पे और मैं उनके साथ हो गया। और फिर जगदीशपुर में हम लोगों ने वो हवेली, वो पूरा घर देखा बाबू वीर कुंवर सिंह का, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ नाश्ता करने के बाद मैं अपने रूट और वो लोग अपने रूट पे हो। और ये है आरा मोहनिया हाईवे, ऐसा ही रोड मिलता आ रहा है हमें काफ़ी देर से। गांव के जो पराली होती है, जो बची हुई फसल होती है सूखी हुई, जिसका कि कोई इस्तेमाल नहीं होता है, उसको गांव वाले लोग जला देते हैं। यहाँ पे जो है पराली जल रहा है। तो अभी हम लोग आने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं कोचस। कोचस जो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है, जो कि अभी हमें रास्ते में मिलेगा, अराउंड 12 किलोमीटर पे कोचस आ जाएगा। और उसके बाद फिर हमें मोहनिया मिलेगा, मोहनिया से हमें फोर लेन मिलना है। तो मोहनिया से लेकर के हमें मुगलसराय तक फोर लेन मिलेगा। कोचस पहुंचने ही वाले हैं और ये भीड़ मिल गई है हाईवे के ऊपर में काफी सारी। मेरा वैसे अगर मेरा कंटिन्यू रहता है राइडिंग, तो मैं 12 से लेकर के 1 के बीच में कभी भी मुगलसराय पहुंच चुका होता, लेकिन कुछ कुछ कारणों से मुझे रुकना था। तो मेरे ख्याल से अब हमें फोर लेन मिलने वाला है। सामने में अभी जस्ट मैंने एक रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस किया है ऊपर से, और ये सामने से हमें अब राइट जाना है। तो ये राइट जाते ही हम जो है फोर लेन पे आ जाएंगे। और अभी मुगलसराय का डिस्टेंस है 56 किलोमीटर। तो यह है फोर लेन, और ये फोर लेन जाता है सासाराम को। तो ये है हाईवे के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर का जाम। शायद आगे कोई टॉल वगैरह होगा, मे भी शायद उसी की वजह से जाम लग रहा है, क्योंकि ट्रकों की और फोर लेन के ऊपर में जाम तो जल्दी लगता नहीं है। और बड़ी बड़ी ट्रकें हैं, सारी के सारे लाइन से जा रहे हैं, उसी में अपनी छुटकू सी गाड़ी भी है, तो बढ़ रहे हैं साइड साइड से, पूरा ऑफ रोडिंग हो रहा है हमारा। बहुत लंबा ट्रैफिक जाम है ये, बहुत लंबा। यहाँ से पार कर ले, ठीक है, थैंक यू भैया। तो ये है महाजाम इस टॉल ब्रिज को पार करने के लिए। यहाँ पे गाड़ी जो है थोड़ी मोरी ठुक गई है क्या, रगड़ खा गई है डिवाइडर वगैरह में। बड़ा गंदा माहौल है भैया।